हेलो फूडीज, मानसून का मौसम आ गया है और ऐसे में क्रिस्पी पकोड़े खाने का मन करता है, तो चलो बनाते हैं। इसके लिए मैंने मसूर की दाल ले ली है और उसे भिगो दिया है। भिगो के पानी निथार लिया है 2 घंटे के लिए। इसके साथ ही साथ मैंने ले ली है हरी धनिया, हरी मिर्च और थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं। अब एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम डालेंगे साबुत जीरा। इसके साथ ही इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और इसके साथ ही साथ जो हमने हरी धनिया, हरी मिर्च और गुलाब की पत्तियां ली थी, ये सारी चीज़ें डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद हम एक बर्तन में इस पेस्ट को निकाल लेंगे और उसमें थोड़ा बेसन डालेंगे। आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और छोटे छोटे उसके बॉल्स डालेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे कुरकुरा होने तक। जब दोनों तरफ से अच्छे पक जाएंगे गोल्डन, तब तो इन्हें निकाल लेंगे और सॉस के साथ सर्व करके इंजॉय करेंगे। आप भी बनाएं, खाएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।